कैसे हो आप लोग? आज ना बड़ा थोड़ा सा दुखी सा दिन है, क्योंकि आज हमारी मटकों का हमारे साथ लास्ट डे है। वो हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इस वजह से हम आज अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। और आए हैं हम सेक्टर 48 की तरफ, 47-48 की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे होते हैं, अगर आप जानते हो तो आप दूर देखोगे, एक श्रीराम ढाबा भी है, लकी 9 डाउन टाउन, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। सुबह सुबह देखो ठेका खुल गया, और हम आए हैं जस्ट इसी लोकेशन पे। हमने जो सोना रोड है वहाँ से हमने लेफ्ट लेके हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग अगर कुछ खाना है तो यू विल गेट योर जूसेस, चाय, समोसे मुझे दिख रहे हैं वहाँ पर दूर, एंड छोले भटूरे यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के छोले भटूरे, साथ साथ हम अपने मटकों को भी देखते जाएंगे। एंड सो गाइस, हम यहाँ से घुस रहे हैं, अभी साफ सफाई चल ही रही है हर जगह, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए शायद। और अभी हमने इनकी चाय पी है, तो यहाँ पर ये जो भैया है इनकी चाय बहुत मस्त है। इनका एक पीछे से भी डोर का एक छोटा सा ओपनिंग है जिससे आप इनकी दुकान पर जान सकते हो, स्ट्रीट वेंडर कैफे, नहीं स्ट्रीट वेंडर कार्ट। ये वाले भैया की चाय बहुत मस्त होती है, और लगता है डोसे की भी प्रिपरेशन हो रही है। हम आए हैं इधर विशाल छोले भटूरे की शॉप में, और देखते हैं इनका कैसा है छोले। कैसा है? साफ लग रहे हैं, देखो दोस्तों। तो अभी हम इसको खा के आपको रिव्यू देते हैं कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। सो गाइस, चाय बहुत टेस्टी है। वाले भैया से हमने चाय ली थी, तो हमने आपको दिखाया, और छोले भटूरे भी बहुत ही साफ सुथरे हैं। एंड कितने की है प्लेट? 40 रुपये की। भैया नाम बताओ, नाम क्या है आपको? महेंद्र। कब से आप कर रहे हो यहाँ पे? ये भाई तो एक और सही है यार, है ना? लोकैलिटी पे बंद कर दिया क्या दोस्तों? लोकैलिटी पे मत जाना, सुबह का टाइम है, साफ सफाई अभी चल रही है, खाना साफ है, टेस्टी है। वैसे भी आज हमारी गाड़ी जा रही है, तो उसका हम दुख मनाने के लिए आए हैं, है ना भी? गाड़ी जा रही है राजोगाड़ी, हमारी गाड़ी जा रही है, तो आज हम उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, है कि नहीं? देखते अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से हम गाड़ी लेस हो जाएंगे, इनफैक्ट आज 12 बजे के बाद, है ना? लेस। ठंडा मौसम सा हो ही गया, पीयू नहीं सुबह सुबह थोड़ा सा बात करती रहे। क्या बात करूं मैं दोस्तों, बहुत मैं दुखी हूँ, बहुत ही पैसिव मोड है मेरा। पता नहीं यार, इसको तो ना बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है, अब ये पता नहीं क्या ही करेगी। दिस वाज माय फर्स्ट कार। और अब कैसे करेंगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। गाइस आप लोग सजेस्ट करो क्या ले क्या नहीं ले, 4x4 लेनी है कौन सा क्या चीज ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4x4 लेनी है क्योंकि हमें जाना है पहाड़ों पे, तो आप सजेस्ट करें अपने कमेंट्स में कि हमारे अभी नेक्स्ट परचेज क्या करनी चाहिए। अभी तो इसका लोन वोन खत्म हो जाएगा,
तो हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा सा R&D करके ले सकते हैं। टाइम है तेरे पास, पैदल धक्के खाने हैं दफ्तर में जा जा के, पता क्या करे, गाड़ी नहीं चाहिएगी बिल्कुल। मेरे को तो देखो कैब आ जाएगी, आप अपना सोच लो भाई, तो चक्कर है तेरे साथ, आप सोच लो कैब ले लेना। भाई देखो इंसान को हर तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए, पैदल चलने में, बस में चलने में, ऑटो में जाने में, शेयरिंग ऑटो में जाने में, पर्सनल ऑटो करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सो ये हम घुस गए हैं अपनी सोसाइटी में, इस तरफ हमारे तत्वम विलास और ये हमारा टावर। ओके दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। सुंदर सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुंदर सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए।